आज हम अपने कैमरामैन विजय राजा के साथ पहुंचे हैं खंदक बाजार, जो शहर का ऐसा बाजार है एशिया का जिसमें हैंडलूम के तमाम तरह के सूट सलवार हों या फिर आपकी बेडशीट है या कंबल है, ये तमाम हैंडलूम का करोड़ों का कारोबार मेरठ में चलता है, जिसके करीब 500 व्यापारी यहाँ अपना ऑफिस बनाकर बैठे हैं, जो उनका काम चलता है। फैक्ट्रियाँ शहर में अलग अलग हैं उनकी, लेकिन उनका मेन सेंटर यहीं से चलता है। ये जो खंदक बाजार है, इसका प्राचीन एशिया में यहाँ से तमाम तरह का बेडशीट हो, कंबल हो, या तौलिया हो, या रजाई के खोल हो, ये तमाम चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती हैं। और बड़ी बात यह है कि कम से कम 500 करोड़ का अब तक यहाँ फटका लग चुका है इस कारोबार को, लेकिन इससे कैसे व्यापारी उभर पाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और खंदक बाजार के व्यापारी इतने परेशान हैं क्योंकि कोई राहत या कोई पैकेज सरकार ने इनके लिए घोषित नहीं किया है, और कारोबार पे पूरा लॉकडाउन का प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, आपको हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं विजय राजा, ये खंदक बाजार का नज़ारा है। ये खंदक बाजार में पूरा कारोबार जो चलता है यहीं से चलता है, हैंडलूम का पूरा कारोबार सब ठप पड़ा है। इस समय सुनसान है गली सुनसान है, और ऑफिसों पर लटके ताले ही नजर आ रहे हैं तमाम एक से एक। ये कहने के लिए बहुत हैंडलूम जो हाथ के कार्य हैं उनको विदेशों में बहुत पसंद किया जाता है, और उसका यहाँ व्यापक स्तर पर कारोबार किया जाता है, उसको विदेशों में पसंद भी किया जा रहा है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की है, तभी से बाजार बंद है, और बाजार बंदी का असर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। कहीं भी कारीगर भी जो इसमें श्रमिक जो लगे हैं हैंडलूम के कारोबार में, उनके सामने भी भूख बड़ी एक चुनौती हो गई है, क्योंकि रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उस स्थिति में इनके लिए, श्रमिकों के लिए भी कोई विशेष पैकेज नहीं है। श्रमिकों से जो बातचीत हुई है, मैं आपकी बातचीत करा रहा हूँ, एक श्रमिक यहाँ मौजूद है। आपको सरकार ने 500 और 1000 रुपए देने की घोषणा की है, आपका क्या कहना है, इसमें क्या काम चल जाएगा, रोटी वगैरह मिल रही है? यहाँ तो अभी तक कुछ नहीं आया, ऐसा कोई चीज नहीं है बिल्कुल भी, कभी आने की सूचना भी नहीं है। अभी यहाँ पर कोई आया ही नहीं है यहाँ देखने के लिए, और ना कोई पुलिस वाले घूमते हैं यहाँ पे कि जिससे क्या ये देखभाल कर सकें। कोई सफाई नहीं होती यहाँ, सबसे ज़्यादा मेन है सफाई की। ये बता रहे हैं कि ये इलाका पूरा सैनिटाइज भी नहीं किया गया है, और बहुत दुखद बात है कि यहाँ सफाई भी नहीं हो रही है। जिस दिन से लॉकडाउन की घोषणा हुई है, सफाई भी नहीं चल रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि और कारोबार को क्या किस तरह से नुकसान हो रहा है बताएंगे? बहुत ज़्यादा नुकसान है इस समय तो, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी में है हर व्यापारी, इतना परेशानी में है कि क्या करें क्या नहीं करें। सारे व्यापारी अपने अपने घरों में बैठे हैं। खाने, ये हैंडलूम का जितने भी कारोबारी हैं उनके सामने, खाने की मजदूरों के सामने क्या संकट पैदा है, कुछ खराब है या कैसे इधर उधर से मदद मिल रही है? जो बाहर से आए हुए हैं वो महल्ले के आपस में ही कर करा देते हैं, जो मतलब काम करने वाले हैं या मजदूर हैं उनके लिए सारी चीज़ें यहीं से कर देते हैं। कोई आटा दे देता है, कोई दाल दे देता है। अभी तक कहने का मतलब है कि जो लोग आस पड़ोस के हैं वो मदद कर रहे हैं, और आटा दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, उनको मदद फौरी तौर पर मिल रही है।